डॉक्टर कामिनी सोनी डायबिटीज़ को हम दो तरह से संतर्पण होते और अपतर्पण होते क्रश प्रमे ही होते हैं स्थूल प्रमे ही होते हैं तो उसमें हम जो प्रमेह में जो शोधन करा के अभी हम पंचकम की चिकित्सा करते हैं पंचकम के द्वारा अभी हम जो काम कर रहे हैं जो क्रश प्रमे ही है और स्थूल प्रमेही दोनों में हम पंचकम चिकित्सा और डाइट और एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कि ये जानना जैसे आजकल हम जो मिलेट्स मिले, मिले की बात कर रहे हैं मिलेट्स आर सो इफेक्टिव इन केसेस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स Uh, तो हम उस जो ज्वार बता रहे हैं uh, कोदो है इन सब का प्रयोग करने से कार्बोहाइड्रेट लेवल जो शुगर लेवल है बहुत कंट्रोल होता है और एक्सरसाइज जो एक रेगुलर एक्सरसाइज फाइव डेज इन अ वीक बताया गया हर डायबिटिक पेशेंट्स को मिनिमम आधा घंटा सुबह शाम वॉक करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा एक्सेस जो शुगर वो, प्री डायबिटिक पेशेंट तो डाइट और एक्सरसाइज से ही कंट्रोल हो जाता है शुगर लेवल अगर इसके बाद भी किसी की शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ी हुई तो आयुर्वेद में बहुत सारा चिकित्सा है गुड़मार विजयसार आदि इन सब का प्रयोग करके आंवला हल्दी मेथी इन सब के प्रयोग के द्वारा भी शुगर कंट्रोल किया जाता है और अब हम बात करेंगे पंचकम थेरेपी की तो पंचकम थेरेपी में विरेचन अर्थात तो इंड्यूस विरे लूज मोशन है ना कराने के बाद पेशेंट को दस्त लगवाते हैं और उसके बाद हम जब देते हैं आ, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अभी हम जैसे काम कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स पे तो हम विरेचन कराने के बाद निशा कतका कषाए का प्रयोग कर रहे हैं गुडूची चूर्णवटी का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे हम और कुछ कुछ ग्रुप्स पेशेंट्स में हम सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज करके कर रहे हैं कुछ में कुछ में हम बिना शोधन कराए दवाई दे रहे हैं तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं तो डायबिटीज के डिसीज के जो पेशेंट्स हैं इनमें आयुर्वेद के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छी तरह से डायबिटीज को कंट्रोल लक्षणात्मक उपय है लक्षण जो पेशेंट को हो रहे आलस से आलस है अंग गौरव है शरीर में भारीपन है बार बार पेशाब जाना है बहुत ज्यादा भूख लगना है इन सब में भी बहुत अच्छा पेशेंट को आराम मिलता है साथ ही ब्लड शुगर लेवल भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जाता है अगर पेशेंट का शुगर बॉड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो हम उसकी एलोपैथिक दवाई को कंटिन्यू करके एलोपेथिक दवाई लेने के बाद भी शुगर लेवल बहुत बढ़ा है तो भी कंटिन्यू द एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो भी पेशेंट ले रहा है साथ में हम हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी एस ए सपोर्टिव थेरेपी के रूप में देते हैं पंचकर्म में शिरोधारा स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ के पेशेंट में हम शिरोधारा कराते हैं सर्वांग अभ्यंग कराते हैं मालिश करना जिसको हम कहते हैं तो इनके द्वारा भी पेशेंट का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छी तरह से बूस्ट होता है बेसिकली ऑल दीज डिसीज़ आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो इसमें हम अभ्यंग कराने से शिरोधारा करने से पेशेंट का स्ट्रेस लेवल एंग्जाइटी लेवल काफी कम हो जाता है तो के कारण स्ट्रेस इंड्यू आज के डेट सिनारियों uh, में हम सब देख रहे हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ इज़ वेरी मच कॉमन इन स्पाइट ऑफ मीठा खाने से जो शुगर लेवल बढ़ता है उसकी तुलना में तो स्ट्रेस uh, का काफी कम होता है मैंने कई हमारे पेशेंट्स हैं जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता था उनको हमने सिर्फ पंचकम थेरेपी करा के उनका शिरोधारा और अभ्यंग के अभी हमने देखा उनका शुगर लेवल काफी कंट्रोल uh, पाया गया तो इस तरह से हम और ज़्यादा पेशेंट में धीरे धीरे अवेयरनेस फैला रहे हैं कि पंचकम के द्वारा और आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा जो ब्लड शुगर लेवल है और प्रमेह के होने वाले जो लक्षण हैं बहुत ज़्यादा भूख लगना प्यास लगना यूरिनेशन होना आलस आना बहुत ज़्यादा पसीना आना जब बहुत ज़्यादा शुगर लग, लेवल बढ़ जाता है तो पीपिल का विधावनम यानी यूरिन में बहुत ज़्यादा चीटियों का लगना ये सारे लक्षणों में काफ़ी आराम मिलता है एक अभी तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है पी का प्रोजेक्ट है उसमें एक हज़ार पचास पेशेंट्स का हम डेटा लेके चल रहे हैं और तीन ग्रुप्स ले रहे हैं उन तीन ग्रुप्स में हम काम करेंगे जी जैसा कि मैंने बताया एक पेशेंट में हम सिर्फ डाइट डाइट और एक्सरसाइज लेंगे एक में हम विरिजन कराएंगे पेशेंट को देंगे और एक में केवल हम शमन चिकित्सा दे पेशेंट पर काम कर रहे हैं